हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने गूगल अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल गूगल अकाउंट है तो आप भी चाहते होंगे कि हम अपना गूगल अकाउंट कैसे डिलीट करें, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप कोई गूगल अकाउंट बनाते हैं तो उस खाते से जुड़ी सारी जानकारी आपके फ़ोन से अपने आप सिंक हो जाती है, और जब आप अपने डिवाइस से कोई अकाउंट हटाते हैं तो उस खाते से जुड़ी सारी जानकारी आपके डिवाइस से मिटा दी जाती है। तो आप अगर आप अपना गूगल अकाउंट अपने फ़ोन से हटाना चाहते हैं तो यह ध्यान रखें कि अगर आपने अपने फ़ोन से अपना गूगल अकाउंट हटा लिया तो उससे जो जुड़ी जानकारी थी आपके फ़ोन में, जैसे ईमेल हो गया, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाया है या ब्लॉग बनाया है, तो वो सारी जानकारी वहाँ से डिलीट कर दी जाएगी। और अगर एक बार अकाउंट डिलीट हो जाता है तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो आप अकाउंट डिलीट करने से पहले इन बातों को जान लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं तो अपना अकाउंट आप कैसे डिलीट करेंगे। अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट पर जाना होगा। इसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करते हैं माई गूगल अकाउंट। यहाँ पे हम सर्च कर लिखते हैं। माई गूगल अकाउंट पर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा अकाउंट्स, गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने आपका गूगल अकाउंट खुल के आ चुका है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है जिस अकाउंट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइकन बना होगा आपके अकाउंट से, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में कितने अकाउंट इसमें चल रहे हैं। हमारे फ़ोन में इसमें 1, 2, 3 अकाउंट चल रहे हैं। अगर आप इनमें से जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक कीजिए। मान लीजिए अगर हमको इसको डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक कर देते हम, लेकिन हमको इस खाते को डिलीट करना है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली जाना है होम, पर्सनल, इन्फो, डाटा एंड पर्सनल। तो आपको डाटा एंड पर्सनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डाटा एंड पर्सनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आ जाएगा ऐसा पेज खुल के आपके सामने। तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करके जब आएंगे तो आप यहाँ से डिलीट करने के से पहले यह डाउनलोड डिलीट और मेक ए प्लान फॉर योर डाटा, आप डिलीट करने से पहले अपने अकाउंट को अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट योर अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप डिलीट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब डिलीट और अकाउंट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे आपका पासवर्ड मांग रहा है, अगर जब वो अपने ईमेल आईडी बनाते समय पासवर्ड डाला था, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने पर के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद इसके सामने आगे का इंटरफेस खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपको दे रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे चले आइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। इस प्रकार आप बहुत ही आसान तरीके से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।